हे गाइस, गुड मॉर्निंग। और आज है 11th ऑफ मे, मंडे है। और आज मैं आपको इस व्लॉग में दिखाने वाली हूँ कि मेरा वर्क फ्रॉम होम रूटीन कैसा होता है। जो लोग मुझे नए देख रहे हैं उनको मैं बता दूँ, मैं हूँ तनु, मैं केरला पे रहती हूँ और मैं एक्चुअली हूँ फ्रॉम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। और मैं इस घर पे अकेली रहती हूँ। एज यूजुअल सबके जैसे मेरे वर्क फ्रॉम होम चल रहा है क्योंकि लॉकडाउन है पूरे देश में। तो आज मैं वही आपको रूटीन बताने वाली हूँ कि जो अकेले रहते हैं उनके लिए वर्क फ्रॉम होम कैसा होता है। ये शुरू करने के पहले मेरे चैनल को अब सब्सक्राइब ज़रूर करना और उसके साथ में जो बेल आइकॉन है भी क्लिक कर देना। तो अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं 8 और अभी मैं एक्चुअली नहा कर आई हूँ और मुझे भी करना है पूजा और उसके बाद मैं दिन की शुरुआत करूँगी। तो पूजा हो गया है, अब मुझे फेस केयर करना है और फेस केयर में मैं पहले करूँगी ये प्लम का टोनर लगाऊँगी। फेस वॉश ऑलरेडी मैंने कर दिया था सुबह उठते साथ ही, और फेस वॉश के लिए मैंने यूज़ किया था अरोमा मैजिक का फेस वॉश। तो अभी मैं ये प्लम का टोनर लगा रही हूँ जिसका मैं बहुत जल्द आपके साथ रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। ये थोड़ा सा सूख जाए तो मैं लगाऊँगी सनस्क्रीन, सनस्क्रीन भी प्लम का है। ये मेरी स्किन में बहुत अच्छे से सूट किया है एक्चुअली, तो ज़्यादा नहीं लेना है। तो हम में से बहुत लोग ऐसे सोचते होंगे कि घर पे क्यों रह रहे हो फिर क्यों सनस्क्रीन लगा रही हो। तो एक्चुअली अगर हम घर पे भी होते हैं ना हमें सनस्क्रीन लगाना चाहिए। पहले मैं नहीं करती थी, लास्ट 6 महीने से मैं भी सनस्क्रीन लगाना स्टार्ट करी हूँ और स्किन में एक सिग्निफिकेंट चेंज देखी। तो अब सनस्क्रीन हो गया, इसे मैं थोड़ी देर सेटल होने दूंगी मेरे स्किन पे। तो मेरे फेस पे सनस्क्रीन लग गया है अच्छे से, अब मैं लगाऊंगी मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र मैं कुछ स्पेसिफिक यूज़ नहीं करती, मैं एलोवेरा जेल यूज़ करती हूँ एज ए मॉइस्चराइज़र। तो मैं यूज़ करती हूँ ये पैराशूट का कोको एलो जेल और ये काफ़ी अच्छा है, मतलब हाइड्रेशन पहुँचाता है। बाल के लिए उतना अच्छा है बट स्किन के लिए ठीक है और स्मेल भी ठीक ठाक है। तो ये हो गया है स्किन केयर। मेरे रूटीन में ना मैं थोड़ा सा ट्विस्ट डालती हूँ, वो ये है कि मैं थोड़ा लिपस्टिक लगाती हूँ। अब आप लोग जज कर सकते हो, मुझे कर सकते हो, मेरी मम्मी भी करती है तो उसमें कुछ बड़ा बात नहीं है कि घर पे रहती हूँ फिर भी लिपस्टिक। तो मुझे एक्चुअली फील आता है कि मैं ऑफिस का काम कर रही हूँ लिपस्टिक थोड़ा आईलाइनर लगा कर, तो मैं ये करती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है यार करना और लिपस्टिक भी वेस्ट हो रहा है नहीं घर पे बैठ बैठ के। तो चलो थोड़ा धमाकेदार बना जाए एंड प्लीज़ इग्नोर दिस मिस। तो मेरे पास इतने लिपस्टिक कलेक्शन एक्चुअली है नहीं, मैं ये वेट एंड वाइल्ड का लगा रही हूँ। तो देखो जस्ट एक कलर ने मेरा फेस का रंग चेंज कर दिया है। तो अब बनाऊँगी मैं ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ ब्रेड ऑमलेट एंड चाय, बस वही। और वो सब थोड़ा सा फ्रूट्स खा लूँगी अगर मन करे तो। और एक्चुअली सुबह मैंने मेथी वाटर भी पिया था तो मेथी रखा हुआ है और उस मेथी से मैं बनाऊँगी डीप कंडीशनर आज नहीं तो कल। कल प्रोटीन पैक लगाया था तो आज डीप कंडीशनिंग मैंडेटरी है, बाल का हालत बहुत ख़राब हो रहा है। तो चलो ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करते हैं प्रिपेयर और क्या अंडा ऑमलेट बनाने में। तो जब आप किचन में काम करते हो ना कोची पे, तो अगर फ़ैन नहीं है वहाँ पे और फ़ैन अगर है भी तो आपको बाल आप ओपन करके आप खाना नहीं पका सकते, इतना ज़्यादा गर्मी है। मतलब कोई कोई कर लेते होंगे, मैं नहीं कर पाती। तो इसीलिए देखो सुबह का वक्त है फिर भी मैं पसीने पे लतर पतर हो रही हूँ, तो क्या और करूँ, अभी झेलना पड़ेगा इसको। तो अभी यहाँ पे मैंने चाय और पैन बैठा दिया है जिसमें मैं थोड़ा सा ब्रेड को सेक लूँगी बटर में और उसके बाद अंडा ऑमलेट बना लूँगी। तो जल्दी जल्दी बना लेते हैं हमारा यम्मी सा ब्रेकफास्ट। मैं जो चाय बनाती हूँ ना इसे मैं बहुत देर उबालती हूँ लो फ्लेम में, पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगता है कि उसमें स्वाद अच्छा आता है। तो ये मेरा परसेप्शन है, आप लोग कमेंट करके बताना आप लोग कैसे बनाते हो चाय। और हाँ मैं दूध चाय पीती हूँ, मैं लाल चाय, मतलब अंडमान में इसे लाल चाय कहते हैं, ये जो चाय है ना इसे ब्लैक टी नहीं कहते हैं, लाल चाय कहते हैं। आई डोंट नो इसको लाल चाय क्यों कहते हैं, क्योंकि ये तो है ब्लैक टी, तो हमारे घर पे सब इसको लाल चाय कहते हैं तो मैं भी इसको लाल चाय कहती हूँ। तो मैं लाल चाय बिल्कुल नहीं पी सकती, मुझे ऐसा लगता सबसे बेस्वाद चीज़ है ये लाल चाय, बट यस शरीर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है और यही सत्य है। यहाँ पर मैं ब्रेड को थोड़ा सेक लूँगी, मैं ऐसा मतलब इतना हेल्थ फ्रीक नहीं हूँ कि मैं ब्राउन ब्रेड खाऊं। एक्चुअली इस बार जब मैं गई थी ये पड़ा हुआ था तो मैं ले आई ग्रॉसरी शॉपिंग के दौरान। तो ये मैंने गैस ऑफ करके मैं ये बना रही हूँ, भगवान
तो चाय ऑलमोस्ट बन गई है, यहाँ पे बन रहा है अंडा ऑमलेट। तो आप लोग सोच रहे होंगे चार ब्रेड इतना सुबह सुबह कौन खाता है, तो एक्चुअली दो मेरे लिए है, दो बड़ी के लिए है। अब बड़ी कौन है? मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है बड़ी, बड़ी मेरा दोस्त है, बड़ी नाम है ना इसलिए उसका। दिखाऊंगी आपको बड़ी कौन है, उसके लिए बिस्किट भी है और ब्रेड भी है, बटर में तला हुआ, तला नहीं जस्ट थोड़ा सा सेका हुआ कहते हैं ना वो। और हाँ, मैं ये ना पानी ऑर्डर करती हूँ और पानी आज ख़त्म हो गया आप देख सकते हो, तो मुझे ये ऑर्डर भी करना है, भैया पहुँचा के दे जाते हैं मुझे यहाँ पे घर पे, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि वो पहुँचा देते हैं, अदरवाइज़ अगर मुझे लाना पड़ता तो हल टाइप हो जाता था। और 50 rupees है यहाँ पे पानी का, जब मैं मैसूर में थी तब एक्चुअली ये 25 था, पता है पानी का जो प्राइस है ये। तो मैं जल्दी जल्दी से ना भैया को फ़ोन कर देती हूँ, क्योंकि बाद में मैं भूल जाऊँगा, पानी बहुत कम है जैसे कि आपने देखा है। तो ये देखो, ये बन गया मेरा बैचलर्स ब्रेकफास्ट। अब बड़ी को मैं ब्रेड दे देती हूँ, देखती हूँ पहले वो है या नहीं। बड़ी 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 नहीं है, तो मुझे बाद में उसको देना पड़ेगा। चलो मैं जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट करते करते ही मैं थोड़ा न्यूज़ देख लेती हूँ, क्योंकि पूरे दिन में मुझे न्यूज़ देखने का बिल्कुल भी वक्त नहीं मिलता है, तो थोड़ा न्यूज़ और उसके साथ ब्रेकफास्ट, एकदम लग रहा है ना रॉयल रॉयल फीलिंग। ठीक है चलो खा लेती हूँ, बाय बाय। तो ब्रेकफास्ट हो गया है और अभी 9 बजने वाला है और मेरा लॉग इन टाइम भी 9 बजे है, मतलब उस वक्त में हमें ऑफिस पे हम जाते हैं, एक्चुअली 9 बजे हमारा एंट्री टाइमिंग होता है और मतलब उसी को लॉग इन टाइम कहते हैं। हमें ऑफिस से ही इंटरनेट प्रोवाइड किया गया है, और अगर आपके पास वाईफाई है जो भी है, आप अगर बिल दिखाते हो तो आपको रीइंबर्समेंट मिलता है। तो एक्चुअली हमारे ऑफिस में ना डबल स्क्रीन में काम होता है, मतलब दो स्क्रीन में हमारा जो वर्क है वो, बट घर पे क्योंकि और एक स्क्रीन नहीं है सो मुझे कुछ जुगाड़ करना पड़ता है, वो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी। तो यही है, और आप लोग मुझे कमेंट करके बताना आप लोग कितने लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, और आप क्या क्या जुगाड़ कर रहे हो, और आपको क्या क्या दिक्कत हो रही है। तो मेरी एक बहुत बड़ी दिक्कत ये है कि मुझे बैक सपोर्ट चाहिए होता है, बट मेरे घर में जो चेयर है, ये वाली चेयर है, चेयर है आप इसके पीछे, तो ये जो चेयर है ना, इसमें अगर बैठते हैं तो उसका टांग ऐसा हो जाता है, मतलब लुकड़ा जाता है हाँ। और स्टूल में बैठ के होगा नहीं काम, क्योंकि हाइट मैच नहीं होगा टेबल के साथ। और एक मैंने इंस्टाग्राम स्टोर से एक स्टूल जैसा मंगवाया था लॉकडाउन के पहले, तो वो टूट गया है, तो वो स्टूल नहीं था एक्चुअली, स्टोरेज बॉक्स था, मैं इसे एज ए स्टूल यूज़ कर रही थी। तो अभी क्या कर सकती हूँ, जो है उसी से मैनेज करना पड़ेगा, और वो वही है कि मुझे नीचे बैठ के काम करना पड़ता है। मैं नीचे बैठती हूँ और जो मेरा टी टेबल है ना छोटा सा, उसमें मैं लैपटॉप रख के काम करती हूँ। तो अभी उसके लिए बहुत ज़्यादा पीठ दर्द बहुत हेवी हो रहा है, तो शाम को थोड़ा योगा कर लेती हूँ, लेकिन एक्चुअली रिलीजियसली नहीं कर पाती हूँ, बैक के लिए वो सारे योगा है वो सारा करना है मुझे रिलीजियसली, बट नहीं हो रहा। कि क्या होता है ना, कभी कभी शाम को मेरे 6 बजे तक काम होता है, तो 6 बजे कभी कभी मैं काम करने के पहले, मतलब जो लॉगआउट मैं 6 बजे नहीं करती हूँ, कभी कभी थोड़ा काम एक्स्ट्रा हो जाता है, और उसके बाद 7-8 बजे जब लॉगआउट करती हूँ उसके बाद और एनर्जी नहीं बचता, उसके बाद मैं खाना बना के खा के सो जाती हूँ। तो यही है, बट यस मुझे अभी चेंज करना है सब कुछ, मतलब पेट दर्द के लिए बहुत ज़्यादा एक्चुअली बैक पेन हो रहा है। और आपको याद होगा मैं नीचे गिर गई थी यहाँ पर, तो उस दौरान जो पेन हुआ था ना वो अब भी ज़्यादा बढ़ रहा है। मे बी वो जगह, मतलब उस वक्त तो मैंने उतना केयर नहीं किया था, मे बी उसके लिए भी ज़्यादा पेन हो रहा होगा। तो ठीक है, यही है, लेकिन कुछ कर नहीं सकते यार। तो अभी और 10 मिनट बाकी है, मैं खुद को ही ये कर रही हूँ, क्योंकि मंडे को हमें काम करने का बिल्कुल मन नहीं होता है ना, तो मैं खुद को ही थोड़ा मोटिवेट कर रही हूँ। और एक्चुअली आज मंडे है बोलकर मैं वीडियो बना पा रही हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं बना पाती, क्योंकि मंडे के बिना ना वीडियो नहीं होता है, मतलब
दूसरे दिन ना मैं उठती हूँ कभी कभी 9 बजे, उठते ही लॉग इन कर लेती हूँ और उसके बाद पूरा वाट लग जाता है कि रूटीन का, तो यही है सब कुछ। तो ठीक है, चलो मैं अभी लॉग इन करती हूँ थोड़ी देर में। तो आप देख सकते हो ये है मेरा घर और अभी ये ऑफिस में कन्वर्ट होने वाला है। ये है मेरा ऑफिस। तो अभी और मैं बात नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मैं अभी लॉग इन कर रही हूँ और बिल्कुल अभी बात नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो ठीक है चलो मैं आपको बाद में मिलती हूँ, अभी अच्छा खासा एक काम करना पड़ेगा उसके बाद। अभी कुछ आया है मेरा कुरियर, मुझे हैंड वॉश करना था, मैं भूल ही गई। तो जस्ट मेरे कुरियर आया है एंड आई एम वॉशिंग माई हैंड्स आफ्टर दैट, मैंडेटरी है ये। तो चलो फिर से काम करते हैं, अभी बिल्कुल बात करने का वक्त नहीं है एक्चुअली। अभी मुझे बहुत तेज़ भूख लग गया है सच्ची, तो अभी 2:15 बाकी है, काम बहुत आज है, मतलब मुझे अभी सांस लेने का भी वक्त नहीं है, लेकिन खाना भी खाना है क्योंकि भूख बहुत तेज़ लग गया है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं खाना क्या खाऊंगी क्योंकि मैंने सुबह तो कुछ पकाया नहीं। तो एक्चुअली मैं जिस दिन मतलब ऑफिस होता है उस दिन मैं रात को ही थोड़ा एक्स्ट्रा पका के रख देती हूँ ताकि मैं दोपहर को कुछ खा पाऊँ, और मोस्टली मैं उतना ज़्यादा कुछ खाती नहीं हूँ दोपहर को, मेरे रात को ही ज़्यादा खाना होता है। और मुझे पता है ये बिल्कुल सही नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा मतलब रूटीन में आने की ट्राई कर रही हूँ। तो मैं एक्चुअली बटर मिल्क और क्या कहते हैं उसको कर्ड, ये बहुत लेती हूँ इनटेक में दोपहर में, क्योंकि एक तो बहुत गर्मी है, मैं अभी बैठी हूँ, आज तो मैंने एसी नहीं चलाया लेकिन हर दिन एसी चलाना पड़ता है, ऐसा जो वॉल है ना वॉल से भी ऐसा गर्मी आता है, ऐसा फील आता है। तो यही बस है। तो ठीक है चलो मैं खाना खाती हूँ अभी थोड़ी देर में ही, एक बस छोटा सा काम कर लूँ उसके बाद मैं खाना खा लूँगी। और खाने में मैंने बहुत सिंपल से बनाया था कल ही, सांभर एंड चावल, और बस वही। तो ये देखो मेरा यम्मी सा सांभर, मेरा सांभर नहीं दाल का सांभर है और बहुत यम्मी बना था एक्चुअली। थोड़ा सा थिक मुझे सांभर पसंद है, किसी किसी को ऐसा अच्छा नहीं लगता मुझे पता है। और इसके साथ ये देखो चावल, चावल और सांभर बस। तो ये देखिए ये है मेरा लंच प्लेट, सांभर और मैंने थोड़ा दही ले लिया है, चावल और दही। चलिए जल्दी से जल्दी जल्दी खा लेते हैं इस बेसिक येट टेस्टी खाने को। तो मेरे हर दिन के ऑफिस डाइट में ये तो रहता ही है, ये है लस्सी, दही का बना हुआ लस्सी, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये लस्सी, होममेड लस्सी। इसमें मैंने थोड़ा सा डाला है शक्कर और थोड़ी सी मैंने डाला है नमक। तो देखो बाहर में ऐसा धूप आ गया है और घर के अंदर से ऐसा लग रहा है वॉल्केनो जल रहा है। मैंने इसे कुछ भी नहीं किया है, जस्ट मतलब क्या कहते हैं उसको, मिक्सर ग्राइंडर वो जो भी है ना, जूसर जो भी है, मैं उसे मिक्सी कहती हूँ। तो उस मिक्सी में मैंने थोड़ा सा गर्म ठंडा पानी, दही, नमक और शक्कर डाला है बस। ये बहुत अच्छा लगता है मुझे। चलो काम करते, बहुत काम है, बाद में बात करती, बाय बाय। सुबह कितना पॉजिटिव एक वाइब के साथ बैठी थी, पॉजिटिव मैं अभी भी हूँ लेकिन एनर्जेटिक नहीं हूँ। मैं अभी चाय पीने के लिए बैठी हूँ, बहुत हैवी आज काम है और 1 घंटा से ज़्यादा लग जाएगा मे बी। अभी बज रहे हैं 6:30 और मुझे पूजा भी देना है। यूजुअली लॉग आउट टाइम होता है 6 बजे, बट जस्ट 5 मिनट का ब्रेक ली हुई। अब और कुछ बनाऊंगी नहीं क्योंकि अभी अगर बनाई तो वक्त भी चले जाएगा और खाना भी उठ के बनाना है तो थकान बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मैंने कहा था ना कि आज जैसा व्लॉगिंग हुआ है यूजुअल डेज में ऐसा नहीं होता बिकॉज ऑफ ऑल दिस वर्क एंड ऑल। बारिश हुआ है एक्चुअली बाहर अच्छा खासा एक, मैं बहुत हेवी काम कर रही थी जो मैं आपको दिखा नहीं पाई। हेवी बारिश नहीं कह सकती उसे, बट यस बारिश थोड़ा बहुत हुआ है यहाँ पे। मैंने दोपहर से खाना खाने के बाद पानी भी नहीं पिया, इतना बिजी हो गई थी मैं। सो
वर्क फिनिश हो गया है, ख़त्म करते करते 8 बज गए हैं एक्चुअली, और अभी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम टायर्ड, मतलब नहीं बोलूँगी कि फिजिकल टायर्डनेस कुछ हुआ है, बट यस मेंटली तो होता ही है, और आइज़ में बहुत टायर्डनेस हो जाता है। तो अब मुझे बनाना है खाना, और खाने पे मैं बहुत ही सिंपल सा बनाऊँगी चावल। रोटी ना मैं बना नहीं पाती हूँ हर वक्त, क्योंकि मुझे वो तो क्या बोलते हो उसको, आटा का गोला वो बनाना मुझे सही से आता नहीं है। और चावल बहुत इजी होता है, क्योंकि चावल पकाने से, मतलब कुकर में डालने से हो जाता है, तो चावल बनाऊंगी। और मैंने अंडा बॉयल ऑलरेडी बैठा दिया है, तो अंडा बॉयल एंड चावल, मतलब अंडा करी एंड चावल, ये एक नॉर्मल फूड वो इतना सारा आप इस पसाड़ा को ना देखें। और पूजा नहीं दी थी शाम को, तो अभी जल्दी से पूजा दे दूँगी, उसके बाद खाना पका लूँगी। 9 बजे तक खाना बन जाना चाहिए। और एक चीज़ आपको बताती हूँ, ये जो आप देख रहे हैं मेरा ऑफिस सेटअप, ये फ्राइडे तक ऐसा रहता है, और फ्राइडे को मतलब शाम को टीवी यहाँ से जाके वहाँ पे जाता है, मतलब मैं फिर वॉल में लगा देती हूँ टीवी को, और पूरा 5 दिन ये यहीं पे रहता है टीवी, क्योंकि अभी यहीं पे मैं टीवी देखूँगी, मतलब रात को और कुछ नहीं, थोड़ा सा 1 घंटा का जब तक मैं खाना पकाती हूँ तभी तक टीवी चलता है, और उसके बाद मैं जब मतलब खाना पका के तो मैं उतना नहीं देखती हूँ। और तो मैं जल्दी से पूजा दे देती हूँ, उसके बाद मैं आपको बात करती हूँ। एक्चुअली आज मेरा ऑफिस में उतना अच्छा दिन नहीं था, होता है ना सभी का, हर दिन अच्छा नहीं होता है, ऐसा नहीं भूलूँगी कुछ ख़राब कुछ हुआ, बट यस कभी कभी होता है, बैड डेज होता है। सो वन ऑफ माई बैड डेज था आज ऑफिस में, ठीक है यही लाइफ है। और एक्चुअली मम्मी से बात नहीं हुई ना आज, तो मैं थोड़ा सा शाम को थोड़ा डल लग रहा था मुझे, क्योंकि मम्मी के साथ थोड़ा सा, अगर मम्मी का थोड़ा आवाज़ भी सुन लेती हूँ, सो आई मतलब मुझे वो खुशी मिलती है, तो आज वो नहीं मिला वो खुशी, सो बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है एक्चुअली, लेकिन दैट्स ऑल, कुछ और नहीं कर सकती हूँ मैं। तो ठीक है चलो, मैं जल्दी जल्दी पूजा दे देती हूँ, उसके बाद मैं मिलती हूँ आपको, ठीक है। पूजा देना हो गया है, और मतलब क्या बोलूँ, थोड़ा मूड ऑफ इसीलिए है, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि मम्मी के साथ बात नहीं हुआ, और उसके साथ ऑफिस का भी जो सारा टेंशन होता है ना, टेंशन नहीं है, मैं ऑफिस का टेंशन बिल्कुल भी लेना नहीं चाहती हूँ, लेकिन कभी कभी आ जाता है, सो वही हो रहा है। और मैं 5 मिनट जस्ट लेट हूँगी, क्योंकि 5 मिनट अगर नहीं लेटती हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं और इंसान नहीं रहूँगी अभी, क्योंकि एक मिनट क्या हो गया है यहाँ पे, अच्छा अंडा बॉयल हो गया है, ये देखो अंडा का हालत क्या हो रहा है, ये आई डोंट नो क्यों ऐसा हो रहा है, शायद अंडा फट गया है, ऐसा क्यों हुआ है अंडे को, आई गेस अंडा फट गया है कोई तो अंडा, लेकिन मुझे अभी दिख नहीं रहा है कौन सा फट गया है। ये देखो ये वाला अंडा फट गया है एक्चुअली, और उसके लिए ही इसमें छाव जैसा आ गया था। तो आज वही याद आ रहा था कि सपोज अगर मैं घर पे होती इस मोमेंट में, तो सपोज आज मुझे खाना बनाने का मन नहीं करता, तो मुझे कुछ सोचना ही नहीं पड़ता था। इनफैक्ट हम घर पे ऐसा कभी सोचते भी नहीं होंगे ना कि खाना बनाने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन हमारी जो मम्मी होती है उनका मन हो ना मन हो बना ही देते हैं, और वो कभी भी अपनी मन की बात हमें बोलते नहीं है। तो आज मुझे वो वाला फील बहुत ज़्यादा हो रहा था, मैं कोशिश करती हूँ मेरी मम्मी की मन की बात जानने के लिए, उनका शायद माइंडसेट ही वैसा हो गया है कि मुझे करना ही है, एंड वो आई डोंट नो ऐसा क्यों। तो आज मम्मी की बहुत याद आ रही है, बिकॉज आज ना खाना वाना बनाने का बिल्कुल ज़्यादा मन नहीं कर रहा है, और मोर ओवर दैट आई नीड समवन कि मैं उनसे सब कुछ शेयर करूँ आज, लेकिन याद आ रही है बस, आती है ना सबको, और लॉकडाउन में तो स्पेशली ज़्यादा आ रही है, क्योंकि किसी से मिल विल नहीं रहे, और उसके साथ ये मेरा ही आता है ये वाला जो शेडो आ रहा है, और किसी के साथ मिल नहीं रहे, घर पे लॉक्ड है, नेटवर्क भी नहीं है मम्मी के यहाँ पे, इसलिए ज़्यादा आज लग रहा है। तो देखो मैं यहाँ पे बना रही हूँ एग करी और लौकी फ्राई, ये जस्ट मैंने दिया है, इसमें अभी हल्दी और ग्रीन चिली देना बाकी है। तो खाना ऑलमोस्ट तैयार हो गया है, ऑलमोस्ट सही तैयारी हो गया है, ये है अंडा करी, कल के लिए भी बना के रखा है थोड़ा सा,
वो आपको जो दिख रहा है वो है लाव भाजा, मतलब बॉटल गर्ड, लौकी का फ्राई सैलड। ये क्या कहते हैं उसको, प्याज और टोमेटो और धनिया पत्ती से एक अच्छा सा सैलड मैंने बनाया है। और ये है दाल, प्लेन दाल है, थोड़ा सा मैंने उसमें टमाटर डाला है और धनिया पत्ती और थोड़ा सा प्याज बस। तो चलो खा लेते हैं थोड़ी देर में। तो ये जो भी मैंने आज कुकिंग किया ना, ये अप्रॉक्स मुझे कुकिंग करने में लगा 1.5 घंटा। हाँ, 1.5 घंटे में मैंने बना लिया था। उस बीच मेरी फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड भूमि ने भी कॉल किया दिया था, तो उससे बात करते करते थोड़ा बहुत हो गया था। उसके बाद अच्छा से मैंने बना दिया। और सच में कुकिंग करने से ना मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फ्री लगता है। मैंने जब कुकिंग किया मुझे अभी अच्छा लग रहा है। और कल के लिए भी थोड़ा बहुत बना के इसलिए रखी हूँ क्योंकि दोपहर को जैसे आपने देखा कि आज बिल्कुल भी वक्त नहीं मिलता है थोड़ा बहुत के लिए बनाने का, तो मैं बना के रख देती हूँ। कभी कभी चावल सुबह उठ के बना देती हूँ या फिर रोटी भी बना देती हूँ कभी कभार, बहुत रेयर मैं रोटी बनाती हूँ। तो क्या बोलने वाली थी मैं आपको, भूल गई उसको, अच्छा कुछ बोलने वाली थी भूल गई मैं। तो अभी थोड़ी देर में खाना खा लूँगी। अभी जस्ट कुकर में मतलब चावल बनाया, तो थोड़ा ठंडा होने के बाद ही मैं खाना खाऊँगी। आज बहुत कुछ बनाया है लेकिन थोड़े थोड़े क्वांटिटी पे। लौकी फ्राई तो अभी ख़त्म हो जाएगा, जस्ट इतनी सा लौकी का मैंने फ्राई बनाया है। ये एक्चुअली होमली फूड है। अंडा करी मैंने थोड़ा सा डिफरेंट वे से बनाया, लेकिन दाल और लौकी फ्राई जो है बहुत लाइट है। और अंडा करी थोड़ा सा रिच मैंने बनाया है क्योंकि मुझे फीका खाने का मतलब मेरी आदत वो चली गई है। मेरे घर पे तो उतना मसालेदार मम्मी नहीं खाती है, बनाती भी उतना ज़्यादा नहीं है, बट मैं फीका नहीं खा सकती। बट अभी मैं सोच रही हूँ कि घर का जैसे ही खाना स्टार्ट करूँ, एक्चुअली वो हेल्दी होता है घर का खाना। और इस बार जब मैं पिछले बार जब मैं ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए गई थी तो मैं प्रिंगल्स लाई थी। तो दोपहर को नहीं, शाम को मैंने थोड़ा प्रिंगल्स खाया था। हाँ, करके बताना कि आप लोग क्या क्या करते हो घर पर। मेरा तो ऐसा ही होता है, मुझे बहुत बोरिंग लगता है मेरा ज़िंदगी, लेकिन उस बोरिंग में से भी ना खुद ही खुद मतलब चस्का और मटका डाल देना, मतलब तड़का जिसे कहते हैं, तड़का डाल के खुद ही स्पाइसी बना देना उसको। मैं जब कुकिंग करती हूँ मैं मोस्ट ऑफ द टाइम गाना सुन सुन के कुकिंग करती हूँ, और मतलब कुछ भी रैंडम सॉन्ग सुन के कुकिंग करती हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं बात करती हूँ एक्चुअली फ़ोन पे, और मुझे फ़ोन पे बात करते करते मेरे किचन का काम करने से मुझे ऐसा लगता है कि मतलब तो मुझे फील नहीं होता कि इतने सारे काम हैं एक्चुअली। और हाँ, गैस भी ख़त्म होने वाला है। गैस पता नहीं कब ख़त्म हो जाए क्योंकि ऑलरेडी बहुत कम आ रहा है मतलब उसका फ्लेम, इसलिए थोड़ा लेट हुआ मुझे कुकिंग करने में मतलब एक्चुअली। तो ठीक है, चलो मैं खाना वाना निकाल के मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा प्लेट, ओवरऑल डिनर प्लेट कैसा लगता है। तो रात के बज रहे अभी 11:30, मैं अभी सोने वाली हूँ। और सोने के पहले मैं एक रूटीन एक्चुअली फॉलो कर रही हूँ हेयर के लिए, मैंने चैलेंज लिया है खुद के लिए। और हाँ, ब्रश भी करना है जो मैं भूल गई थी। मैं ब्लॉग का एंड नहीं कर पाई क्योंकि आपको पता ही था मेरा मन और मेरा तबीयत, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। बैक में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था जो कि मैंने आपको बताया। तो जो भी सारे लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, अच्छा वाला सिटिंग अरेंजमेंट में बैठिए क्योंकि ये जो बैक पेन है बहुत तेज़ हो रहा है। इवन जब मैं ये व्लॉग एडिट कर रही हूँ मतलब इन द मंथ ऑफ जून, मुझे बहुत ज़्यादा बैक पेन है। तो प्लीज़ आप लोग अपना ख्याल रखिए, घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए। मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो पे विद ए न्यू टॉपिक। टिल देन आप रहिए खुश, खाइए हेल्दी एंड रहिए फिट एंड ऑल्सो कीप ग्लोइंग। बाय बाय माई लवली 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 फ्रेंड्स, बाय बाय।